कई दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। किसानों के खेत जलमग्न हैं, तो वहीं घरों में पानी भरने से किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सरकार और प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। मंत्री हो या अधिकारी, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से अधिकारियों को स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर सके। इन सबके बीच केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा, तुरंत इस पानी के बाद जो समस्या आने वाली है, रास्तों को बनवाना है, बिजली को रेस्टोर करना है, वाटर सप्लाई को रेस्टोर करना है, सड़कों को मोटरेबल बनाना है, तो ये और जो बीमारी आएंगी उसके बाद, उस बीमारी के लिए उनको उनके इलाज का प्रबंध कराना है। तो इस सब पर सरकार भी और हम सब लोग और जिला प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए लोगों के बीच में बार बार जा रहे हैं कि तुरंत जैसे जैसे उनको सहायता दी जाए, उनको सहायता, किसानों की फसलें बर्बाद हुई है बहुत बड़ी संख्या में। किसान हमारे लिए भगवान है, इस देश का अन्नदाता है, और किसान पर ये आफत आई है तो ये हमारे ऊपर है, और किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यमुना में आई बाढ़ से लोगों को खासा नुकसान हुआ है। घरों में घुसे पानी ने लोगों के सामान को खराब किया, तो वहीं किसानों की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसे में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। पलवल से सौरभ वर्मा, सूर्या समाचार।